मिथाइल डोपा का आईपीसी नाम लिखने के लिए सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन ग्रुप को पहचानना। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH है, NH2 है और OH है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हमारा हो जाएगा COOH। ओके, तो COOH साथ में क्या होगा, चेन। तो हमारी चेन हो जाएगी 1, 2, 3 कार्बन की चेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बाकी ये और इधर वाला ये सब क्या कहलाएगा, सब्सिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्सिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो अगर इधर की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हम इस सब्सिट्यूएंट में बेंजीन है और OH है, तो इस वजह से हम इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। तो कहाँ से नंबरिंग होगी, बड़े ग्रुप के पास से। तो बड़ा ग्रुप ये है, इसके पास से यहाँ से नंबरिंग होगी, 1, 2, 3, 4। तो 3 पर है और 4 पर है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 और 4 डाई मतलब 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH और फिनाइल। ठीक है, इसको फिनाइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 3, 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल। ओके, इस सब्सिट्यूएंट का ये नाम हो गया। इधर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 पर है, तो 2 पर क्या है, NH2, तो 2 अमीनो हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेन ग्रुप का नाम क्या है, मेन ग्रुप का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप COOH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप टेबल के अनुसार। ओके, तो ये जो है इसको नंबरिंग देंगे, तो 1, 2, 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, है ना। और ये COOH है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसके 2 कार्बन पे लगा हुआ है CH3, तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल। ओके, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका नंबरिंग कैसे, मतलब नाम कैसे लिखेंगे, तो सब्सिट्यूएंट का नाम इधर और इधर का सबसे पहले और मेन ग्रुप का पीछे। ठीक है, तो हमने लिखा 2 अमीनो। ठीक है, 2 पर क्या है, अमीनो। ठीक है, फिर 3 पर क्या है, ये 3 पर क्या है, 3-4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, ये पूरा 3 पर है, इस वजह से इसको 3 बोला। इधर इधर 2 पर है, ये 2 पर है और ये 3 पर है। ठीक है, तो 3-4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, इसके बाद हमारा है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये 2 पर, ये मिथाइल और प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन की चेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम है, ओइक एसिड। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल डोपा का IUPAC हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये हमारा क्या है, S का मतलब क्या है कि हमारा कायरल कार्बन क्या है, S है। तो कहाँ है आपका कायरल कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन क्या रहेगा, आपका कायरल कार्बन रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, S, मतलब S आइसोमर के फॉर्म में रहेगा। ओके,